कोटा से ये बड़ी खबर है। देवा गुर्जर हत्याकांड मामला, कोटा रावतभाटा रोड स्थित बोराबास गांव में तनाव। रावतभाटा कोटा मार्ग जाम, वाहनों की लगी कतारें। गांव बोराबास में युवा और ग्रामीण कर रहे प्रदर्शन। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कोटा पुलिस मौके पर ग्रामीणों से समझाइश कर रही है। कल रावतभाटा में देवा का मर्डर किया गया था, देवा गुर्जर जिसका मर्डर किया गया था, उसके बाद की ये तस्वीरें, क्योंकि ग्रामीणों में रोष है, गुस्सा है और आगजनी की घटना भी हुई है। अब पुलिस जो है वो गांव वालों से समझाइश कर रही है। कोटा रावतभाटा रोड पर बोराबास समेत आसपास के कई गांवों में सवेरे के बाद से लगातार हंगामा बरपा है। रोडवेज की एक बस को रोक करके उसमें आग लगा दी गई, हाईवे जाम कर दिए गए, आगजनी की घटनाएं हुई है और तुरंत में मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ गया है। ये पूरा वाकया सामने आया है देवा गुर्जर के मर्डर के बाद, जो हत्याकांड रावतभाटा में कल हुआ था, लेकिन बोराबास जो कि कोटा गांव में, कोटा जिले में पड़ने वाला गांव है, वहां लगातार इसको लेकर के बवाल हो रहा है। और इसके बाद तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो फिलहाल देवा गुर्जर की जो डेड बॉडी है वो MBS अस्पताल की मोर्चरी में लाई गई है और इस वक्त मोर्चरी के बाहर आप देख सकते हैं कि भारी जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि देवा भी हिस्ट्री शीटर था और उसका जो मर्डर है वो आपसी गैंगवार में बताया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के कह सकते हैं कि कोटा में कानून व्यवस्था की चुनौतियाँ खड़ी हो गई है। भारी पुलिस जाब्ते की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल गुर्जर समाज के लोग हैं जो कि यहाँ बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों से आपकी बात करने की कोशिश करेंगे। पूरा हत्याकांड बद्री जी जो हुआ है उसके बाद लगातार तनाव देखा जा रहा है, खासकर गुर्जर बहुल गांव में। किस तरह की मांगे आप लोगों की? देखो, सबसे बड़ी बात तो समाज के लिए और जितने भी समाज के अलावा जितने भी उसके प्रेमी थे और व्यक्तिगत मेरे रूप से, बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और मैं कहूँगा कानून व्यवस्था के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। उसने पहले ही आरकेपुरम थाने में, जो उसका स्थानीय थाना पड़ता है, उसने पहले एडवांस रिपोर्ट करा दी थी कि मेरे साहब ये वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दी थी या रिपोर्ट कराई थी कि ये साहब मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, मेरा मर्डर हो सकता है। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोता रहा, ये हमारे समाज के लिए, सभी दोस्तों के लिए, परिवारजनों के लिए बहुत दुखद घटना है। लेकिन अभी जो जिस तरह से हाईवे रोक रहे हैं, जाम हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, वो तो ठीक नहीं है। वो तो गलत ही है, ठीक नहीं। हमारे को न्याय मिलनी चाहिए सर, न्याय के लिए करे। जिसके पास रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, ऐसा ही था वहाँ का रावतभाटा का, तो वैसा ही का रिपोर्ट दर्ज, फिर FI दर्ज, फिर उनको बंद नहीं किया था, उनको जांच नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था, फिर बाद में। अच्छा, घटना को 24 घंटे हो गए मान्य चरण साहब, उसके बावजूद भी एक भी आदमी अभी तक पकड़ में नहीं आया। इससे बड़ी जो हत्यारे हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी की फिलहाल मांग हो रही है और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो मोर्चरी के बाहर से ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाहरी पुलिस जाब्ता यहाँ पर लगातार डिप्लॉय है। SPCT केसर सिंह शेखावत ने खुद मोर्चरी पर मोर्चा लिया हुआ है और 2 ASP, कई CI और DSP को जो टीम है वो रावतभाटा रोड पर बोराबास समेत आसपास के कई गाँवों में भेजी गई है और कोशिश ये हो रही है कि जो भी तनाव और टेंशन इस पूरे वाक्य को लेकर हो रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके और किसी तरह की स्थिति बिगड़ने जैसे कोई हालात नहीं बनने पाए। आपको बताएं कि देवा गुर्जर कोटा शहर के आरकेपुरम पुलिस थाने में कई मामलों में नामजद भी था, लेकिन उसके समर्थकों का यही कहना है कि हत्याकांड के बाद जो गिरफ्तारियां हैं वो तुरंत होनी चाहिए और उन गिरफ्तारियों के नहीं होने से उसके जो प्रशंसक वर्ग है और खासकर जो गुर्जर बहुल गाँव है उनमें लेकर के फिलहाल तनाव के हालात बन रहे हैं। SPCT केसर सिंह शेखावत इस पूरे प्रकरण को लेकर लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे भी आपकी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले तस्वीरें आपको दिखाएं तो मोर्चरी के बाहर आप देखिए भारी तादाद में जो लोग हैं बोराबास और आसपास के गांवों से यहां पर आए हैं और सभी का यही कहना है कि इस पूरे मामले में एक्शन जल्दी होना चाहिए और जिस तरह से आरकेपुरम पुलिस थाने में पहले ही देवा गुर्जर ने शिकायत दे दी थी और आपसी गैंगवार में उसने खुद के नुकसान पहुंचने की आशंकाएं जता दी थी, उसके बाद जिस तरह से एक प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए था उसके नहीं होने के बाद भी उसके जो समर्थक लोग हैं, उसके जो गाँव के लोग हैं, उनका कहना है लगातार। सर, जिस तरह से बोराबास गाँव में फिलहाल हालात बने हुए हैं, आप यहाँ मोर्चे पर मोर्चा संभाले हुए हैं, आपसे पहले ताज़ा स्थिति जानना चाहिए। अभी यहाँ मोर्चरी में जो उनके परिजन हैं उनके माध्यम से पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाने की प्रयास करते हैं। बोरावास के आसपास कुछ युवाओं ने आक्रोश में आकर के रोड जाम करने की कोशिश की और एक रोडवेज की बस में आग लगाने का प्रयास किया। वहाँ सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस जाब्ता भेजा गया। अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में। लेकिन सर, जो बस में आगजनी की बात हुई है, क्या बस पूरी तरह से जल गई? खबर है कि जाब्ता समय रहते पहुँच गया था, नहीं तो आगजनी वहाँ बढ़ सकती थी, तो फिलहाल क्या स्थितियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में है बोराबास से लेकर कोटा तक? अभी बोराबास से रावतभाटा रोड पर जिस तरह का प्रयास हुआ था रोड जाम करने का और बस में आगजनी करने का,
सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। सर, उनके गांव के लोगों का कहना है कि आरकेपुरम पुलिस थाने में देवा ने पहले ही शिकायत दे दी थी और खुद के नुकसान पहुंचने की आशंकाएं जता दी थी। अभी यहाँ जो मोर्चरी पे लोग मौजूद हैं परिजन, उनका भी कहना था कि कोई परिवाद उन्होंने कुछ दिनों पहले आरकेपुरम थाने में दिया था। थानाधिकारी से जानकारी करने पर उन्होंने अवगत कराया कि चूंकि जिन लोगों के विरुद्ध ये परिवाद दिया था वो रावतभाटा थाना क्षेत्र से संबंधित थे, इसकी जानकारी संबंधित थाने को देकर के और कार्रवाई के लिए आग्रह किया गया था। सर, पूरा मर्डर रावतभाटा थाना क्षेत्र में हुआ है, तो कोटा पुलिस पूरे मामले में किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने जा रही है? चूँकि जो मृतक है, जिसकी हत्या हुई है, वो हमारे थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसलिए एक सहज स्वाभाविक रिएक्शन होना वो संभव था। इसलिए पूरे प्रिकॉशन के तौर पर हमने मोर्चरी पर भी जाप्ता लगाया और उनके गांव के आसपास के क्षेत्र में भी जाप्ता तैनात किया। सर, मेरा आखिरी सवाल, जिस तरह से उग्र जमावड़ा लग रहा है, लोग लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, आप फर्स्ट इंडिया के मार्फत किस तरह की अपील करना चाहेंगे? जो घटना हुई है, जिन लोगों की संलिप्तता रही है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ तत्परता से कार्रवाई होगी। वो बहुत जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होंगे और उनको कड़ी सजा मिलेगी। मेरा आमजन से अपील है कि किसी तरह की अफवाहों के बहकावे में नहीं आए और कानून को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। तो कानून व्यवस्था के लिहाज से एसपीसी टीकेसर सिंह शेखावत ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, जो भी घटना घटी है दोषियों को दंडित करने के लिए पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कोटा मोर्चे पर लगातार खुद एसपीसी टीकेसर सिंह शेखावत मोर्चा संभाले हुए हैं और अब खबर यह है कि बोराबाद समेत जो आसपास के गाँव है वहाँ भी हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और वहाँ पर पुलिस जाब्ता तैनात है। समाज के मौजूद लोगों से लगातार पुलिस बात कर रही है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।